हेलो बच्चों, सो जो लोग सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास हो चुके हैं या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन सीए इंटर में रजिस्टर कर चुके हैं एंड वो आर टारगेटिंग मई 24 और नवंबर 24 एग्जाम, माय फ्रेंड्स आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस के अंडर का पहला बैच, फर्स्ट बैच अंडर न्यू सिलेबस फ्रॉम 16th अगस्त 23 से चालू होगा नया बैच, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैं पिछले 19 साल से पढ़ा रहा हूं फ्रॉम 19 ईयर्स जो हम काम करने जा रहे हैं, बट अंडर न्यू सिलेबस दिस इज द फर्स्ट बैच माय फ्रेंड्स। एंड जैसे कि आप जानते हो कि ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, राइट, एक्सेप्ट डिलीशन ऑफ वन चैप्टर। ओके, तो न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है, इस पे तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, होप आपने वो देखा रहेगा। तो आज मैं यहां पे आया हूं टू टेल द फीचर्स ऑफ द बैच। ओके, तो मैं फीचर्स ऑफ द बैच के लिए ये फीचर्स यहाँ पे लिख के लाया हूँ ताकि आप ये भी रेफर कर सकते। तो पहला पॉइंट है टारगेट एग्जाम, ये जो बैच 16 अगस्त को चालू होने जा रहा है, सर इसका क्या टारगेट है, ये 25 में चलेगा क्या, मई 25 के लिए, नवंबर 25 के लिए, तो नहीं चलेगा, दिस बैच इज फॉर मई 24 एंड नवंबर 24 एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे, तो इस बैच में रहेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चलो हम उसको कॉस्टिंग बोलेंगे, कॉस्टिंग के 80 लेक्चर्स, ड्यूरेशन पर लेक्चर 2 hours and 30 minutes, तो 2.5 hours का, आप जानते हो अगर आप प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में फेस टू फेस ये बैच करने जा रहे हो तो आपका टाइमिंग है 2:15 to 4:45 PM, लाइव स्ट्रीम अटेंड करना चाहते हो तो जहां पे भी आप इंडिया में बैठे हो सेम टाइम पे आपके घर पे बैठ के आपके मोबाइल पे आपके टैब पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये लेक्चर आप देख सकते हो, सेम टाइमिंग पे 2:15 to 4:45, एज इफ आप पुणे में बैठे हो वैसे ही आप आपके घर पे बैठ के ये लेक्चर देख सकते हो बच्चों। टाइमिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2:15 to 4:45 PM। एंड अगर आप जीडी पीडी मोड के थ्रू देखना चाहते हो तो यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल, यू कैन वॉच दीज बैचेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स, आपके टाइम टेबल के हिसाब से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने लेक्चर्स है सर, सर इसमें है 80 लेक्चर्स, 2.5 hours पर लेक्चर, तो इट बिकम्स अराउंड 200 hours। इसके पहले हम लोग अराउंड 90 लेक्चर्स लेते थे क्योंकि बैच का ड्यूरेशन ऐसे ही सेट था, 90 लेक्चर्स इंटू अराउंड 2 hours and 15 minutes रहा करता था उस समय पे हो, तो नाउ इट्स 80 लेक्चर्स ऑफ 2.5 hours, तो टोटल ड्यूरेशन 200 hours, बैच कमेंसमेंट डेट 16 अगस्त, बैच एंड डेट 30th of November माय फ्रेंड्स, 30th नवंबर। आपको लग रहा है कि सर ये 3.5 महीने में सिर्फ आप 80 लेक्चर लोगे क्या, तो ऑब्वियसली इसमें दिवाली का छुट्टी इंक्लूडेड है, कुछ गणपति का छुट्टी इंक्लूडेड है, हर संडे को छुट्टी रहेगा, तो ये सब मिला जुला के अपना बैच खत्म होने जा रहा है 30th नवंबर 23 को। सर ये बैच कौन से मोड पे अवेलेबल रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फेस टू फेस अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल इन जीडी पीडी, इट इज अवेलेबल इन लाइव स्ट्रीम मोड अल्सो नाउ। ओके, व्हाट आर द फीचर्स, आप बोले सर क्या ये बैच के क्या फीचर्स है, एग्जैक्टली इसमें क्या होने जा रहा है, तो आपने आई एम वेरी श्योर आपके सीनियर से सुना रहेगा कि विनोद रेड्डी सर कॉस्टिंग के लिए क्या है, मतलब मैं कॉस्टिंग कैसे पढ़ाता हूं, आई एम वेरी श्योर आपने सीनियर से आपका सुना रहेगा, बट फिर भी मैं कुछ फीचर्स आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि कुछ फीचर्स हमने इस बैच से नए इंट्रोड्यूस किए, राइट, फॉर न्यू सिलेबस। तो उसमें सबसे पहला फीचर जो हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं वो है नो नोटबुक कंसेप्ट। तो बच्चों ये हमने नोट्स बनाए, तो ये उसका वॉल्यूम वन है, तो ऐसे 3 volumes है, तो अराउंड 1100 से भी ज्यादा पेजेस के अपने नोट्स है इसमें। अगर आप देख सकते हो ये नोट्स को बच्चों, तो यहां पे क्वेश्चन अगर प्रिंटेड है तो उसके नीचे वो सॉल्व करने के लिए जगह भी छोड़ी गई है, तो यहां पे हम लोग क्लास में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इन द क्लास नोट्स इटसेल्फ। ओके, तो आपको कोई नोटबुक लाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बाद में क्वेश्चन कहां पे है उसका आंसर मैंने कहां लिखा है वो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि सर इस तरह से आप सिर्फ 2-4 questions लोगे का, तो बच्चों इसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आपको लगेगा कि सर थोड़ा बहुत 1-2 questions ज्यादा सॉल्व करोगे, तो ऐसा नहीं है, आईसीएआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कब तक, मई 23 एग्जाम तक। इनफैक्ट आपको बता दूं, आपका बैच जब चालू रहेगा ना ये बैच, उसके ड्यूरिंग नवंबर का एग्जाम आएगा, वो नवंबर का पेपर तक हम क्लास में सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आपका बैच चालू रहेगा, जब आईसीआई का सोल्यूशन भी आया नहीं रहेगा, वो पेपर तक हम क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट बैच चालू बैच में मई 23 का पेपर सॉल्व करके लिया था, तो टिल मई 23 ऑल क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। ओके, सिर्फ एक चैप्टर के मार्जिनल कॉस्टिंग के 95 क्वेश्चंस है
बच्चों, मटेरियल कॉस्टिंग 50 क्वेश्चंस है, ओवरहेड्स के अराउंड 40 क्वेश्चंस है, तो इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस बुक में कि आपको और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। इस बैच में होगा क्यूमुलेटिव रिवीजन, हम लोग सिर्फ क्लास में पढ़ाएंगे, नया चीज ऐसे नहीं होगा, हम लोग जो भी पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं उसका रिवीजन भी हम बैच के ड्यूरिंग ही लेंगे। एंड मोस्ट फोकस जो अपना रहेगा सीए एग्जाम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कंसेप्चुअली पढ़ाओगे क्या, तो ये बॉस पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में उतार देंगे हम लोग यहां पे। ओके, आप किसी भी पास्ट स्टूडेंट्स को पूछ लो, पूरा का पूरा एज इफ आपने जिंदगी में इसके पहले कभी ये चीज पढ़ी नहीं है, पहली बार। ऑब्वियसली कॉस्टिंग के बहुत सारे कंसेप्ट तो आप पहली बार ही पढ़ने जा रहे हो, सब कुछ क्लास में सॉल्व होगा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर एक जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है आप सॉल्व करते हो तो सब समझ में आ जाता है, बट हमें खुद से फॉर्मेट नहीं बनाना था, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हम क्लासरूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, कंसेप्ट पे अपना पूरा का पूरा फोकस रहेगा, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्योंकि दीज नोट्स इंक्लूड एवरीथिंग माय फ्रेंड्स। चार्ट फॉर्मेट में जहां जरूरत है वहां पे चार्ट फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्म में जहां पे जरूरत है वहां पे टैबुलर फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में जहां पे जरूरत है वहां पे टेक्सचुअल फॉर्म में, जहां पे आपको खुद लिखना ही जरूरी है वहां पे आपको लिखने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है बच्चों। सो ये बहुत बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट का R&D का प्रोडक्ट है, तो ये बेस्ट क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग is going to be, सर डाउट सॉल्विंग क्या होगा, तो अगर आप फेस टू फेस हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो, अगर आप लाइव स्ट्रीम से हो तो हमारा टू वे कम्युनिकेशन है बच्चों, जहां पे हम कभी कभी आपको भी बोल सकते हैं कि चलो कैमरा ऑन करो, चलो आप बोलो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, यू कैन आस्क। हमारे सामने जैसे टीवी रहता है तो उसमें हमें सारे डाउट दिख जाते हैं, तो जो डाउट हमें लगता है कि ये अभी सॉल्व करना जरूरी है वो तो हम तुरंत सॉल्व कर देते हैं, एंड जो हमें लगता है कि बॉस ये तो 5 मिनट के बाद वैसे भी सॉल्व होने वाला है वो डाउट हम स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं, एंड वो स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर फिर भी उसका डाउट रहा तो पूछ सकता है, बट तब तक उसका डाउट वो रहता ही नहीं है। एंड आपके एग्जाम हॉल तक जाने तक बच्चों हमारा सपोर्ट रहेगा आपको, ये रेगुलर बैच के बाद में ओके हम आपका कंटिन्यूअस टेस्ट लेते हैं, इनफैक्ट बैच के ड्यूरिंग 10 टेस्ट होंगे बच्चों, बैच के ड्यूरिंग एंड बैच खत्म होने के 15-20 दिन के अंदर 10 टेस्ट सिर्फ कॉस्टिंग के होंगे, एंड सब सब्जेक्ट के मिला के 50 टेस्ट हम टारगेट कर रहे हैं, तो 10 टेस्ट जो है वो तो आपके क्लास में ही होंगे, क्योंकि आप पढ़ कितना रहे हो आपको समझ में आ रहा है क्या, आप ये खुद से सॉल्व कर सकते हो क्या, वो असेसमेंट भी बहुत जरूरी है, तो ये इस बैच में टेस्ट भी इंक्लूडेड है बच्चों। एंड जैसे मैंने बताया एग्जाम हॉल तक जाने तक हमारा सपोर्ट आपको रहेगा, फिर वो रिविजन फॉर्म में हो या फिर वो वन डे मैराथन के फॉर्म में हो, डाउट सॉल्विंग के फॉर्म में हो, सारे फॉर्म में बच्चों राइट, हम सबका आपको एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा। तो सी यू सून माय फ्रेंड्स ऑन 16th August, बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है, 16th August को फेस टू फेस इन पुणे, बट यू कैन चूज लाइव स्ट्रीम एज वेल एज GDPD मोड ऑल्सो एज पर योर कन्वीनियंस माय फ्रेंड्स। सो सी यू सून, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।